लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में यूपी टी20 लीग 25 अगस्त से आयोजित हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के लगभग हर रीजन से एक टीम हिस्सा ले रही है। यूपी टी20 लीग का ये दूसरा सीजन है और दूसरा सीजन बेहद खास है और इसीलिए यूपी टी20 लीग के चेयरमैन डीएस चौहान ने न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूँ आलोक शुक्ला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीएस चौहान साहब, जो यहाँ यूपी टी20 लीग के चेयरमैन हैं यूपीसीए की तरफ से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जिस तरह से यूपी टी20 लीग 2024 सीजन 2 का शुभारंभ 5 दिन पहले हो चुका है और अब जिस तरह से इसमें लोग आ रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में क्रिकेट के भविष्य को लेकर आप किस तरह से उत्साहित हैं? हम लोगों की ये लीग जो है, श्री राजीव शुक्ला जो हमारे यूपीसीए के संरक्षक हैं, उनका ये ड्रीम है, तो उनके ये ड्रीम को हम लोग साकार कर रहे हैं। सीज़न 2 है हमारा और इस बार हम लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था की है। अच्छा इंटरनेशनल स्टेडियम है, अच्छा ग्राउंड है, खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से लोग अपने आप जो है वो यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने काफ़ी चेंजेस किए हैं, मैं अभी धीरे धीरे आपको बताऊँगा, जिसकी वजह से इस लीग की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। आप बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। मैं सबसे पहले आपने जो बताया उसके बाद आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि एक बड़ा भगीरथ प्रयत्न करना पड़ा रहा होगा। पिछले साल जब हम लोगों ने पहला सीज़न किया था, तब ये सोच आई थी राजीव शुक्ला जी के सामने कि यूपी के खिलाड़ियों को और एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, क्योंकि अभी हमारे पास में जितने प्लेटफॉर्म थे वो पर्याप्त नहीं समझे गए जो है, तो इसलिए इस लीग के बारे में सोचा गया। और लास्ट ईयर हम लोगों ने कानपुर में इसको किया था, वो बड़ी सक्सेसफुल लीग थी और उसमें कई खिलाड़ियों को मौका मिला, जिसकी वजह से यूपी के 12 खिलाड़ी जो है पिछले साल आईपीएल में खेले और इस साल भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, बड़े अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं और खिलाड़ियों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी प्रतिभा दिखाने का। सर, जैसे अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो क्रिकेट को एक उत्सव के रूप में हमारे देश में जाना जाता है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। जिस तरह से यहाँ इस लीग का आयोजन हो रहा है और तमाम जो खिलाड़ी हैं, वो टी20 लीग चाहे आईपीएल हो या और भी चीज़ें हो, जैसे देश के लिए खेलना हो, तो उसमें यहाँ के बच्चों का भविष्य कैसा देखते हैं इस लीग के माध्यम से? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा हमारे उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने और उनकी सरकार ने हमें पूरा सपोर्ट दिया है। उनका एक सपना है कि यूपी को एक स्पोर्ट्स का भी शक्ति केंद्र बनाया जाए। 25 करोड़ की आबादी इस प्रदेश की और यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अब यूपी के पास में 3 इंटरनेशनल स्टेडियम होने वाले हैं, कानपुर पहले से था, लखनऊ दूसरा है और वाराणसी में तीसरा बन रहा है, तो उसमें हमें काफ़ी सुविधा, काफ़ी सपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट का, बाकी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ का मिला है, जिसकी वजह से हम लोग ये अच्छे क्वालिटी का एक टूर्नामेंट यहाँ आयोजित कर पाए हैं। इस साल हम लोगों ने यूपी के दर्शकों की जो रुचि देखते हुए हम लोगों ने बहुत वर्ल्ड क्लास इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें मीडिया वर्ल्ड प्रो, ये स्पेन की कंपनी है, उसको प्रोडक्शन दिया है। इसका प्रसारण जियो पे हो रहा है, आप जानते ही हैं, और टीवी 18 पे हो रहा है, स्पोर्ट्स चैनल पर उनको दिया है। फिर जो कवरेज है उसमें बहुत क्वालिटी हमने दिया है, DRS दिया है, तो इसकी वजह से यहाँ क्वालिटी क्रिकेट हो रही है जो है, और जिसकी वजह से जो है लोग यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी टीमें और कितनी टीमें यहाँ खेल रही हैं, अगर नंबर ऑफ टीम्स बताना चाहें आप। हम लोगों ने जो सोच थी कि यूपी के पूरे सभी कॉर्नर्स पे क्रिकेट जानी चाहिए, तो पूर्वांचल की 2 टीमें हैं, गोरखपुर लायंस है, काशी रुद्रास है, और फिर मध्य उत्तर प्रदेश की हैं लखनऊ फाल्कन्स है और कानपुर सुपरस्टार्स है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेरठ मैवरिक्स है और नोएडा किंग्स है, तो पूरा प्रदेश हमने कवर किया है और हमने इनको हर एक टीम को 25-25 खिलाड़ी अलाउ किए थे, जिसमें 18 उन्होंने मेगा ऑक्शन से लिए थे और 7 खिलाड़ी उनको ट्रायल हंट से उनको अपने एरिया से लेने थे जो है, तो उस ट्रायल हंट की वजह से जो है एक गरीब बच्चा जो अच्छा क्रिकेट खेलता है उसको भी मौका मिला अपनी प्रतिभा दिखाने का और टीम में सिलेक्ट होने का। लेकिन काशी की जो बात है, बनारस की जो बात है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और काशी रुद्रास का क्या माहौल है? चूंकि मैं अभी काशी में पढ़ा लिखा हूँ, तो काशी के जो टीम है, जो काशी रुद्रास हैं, उनका कैसा फ्लेवर है? देखिए, हमारे लास्ट ईयर के चैंपियन हैं काशी रुद्रास, करण शर्मा उसकी कप्तानी कर रहे हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग कैप्टन है
और वो भी पिछले साल आईपीएल के लिए सिलेक्ट हुए थे, बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो। और इस बार भी उनका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा चल रहा है। काशी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने एक नया स्टेडियम इंटरनेशनल बनवा रहे हैं और बहुत अच्छा उस स्टेडियम का प्रोग्रेस है। अगले साल तक उस स्टेडियम में जो है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम सीजन 4 जो है वो निश्चित रूप से काशी में कराएंगे। कुशीनगर में विदेशों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 3,00,000 कैश और साथ ही 225 पासपोर्ट, वीजा, 22 फर्जी मोहर और साथ ही 22 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। ये गैंग लोगों को विदेश भेजने के नाम पर वसूली करता था, फर्जी वीजे के आधार पर मोटी रकम भी वसूलते थे। ये गैंग के सदस्य जो है बिहार के और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन्होंने अपना अपराध का तरीका इस तरीके से बताया कि ये फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से ये लोग प्रचार करते हैं। एक जय अंबे कंसल्टेंसी खोली थी इन्होंने और उसके माध्यम से लोगों को बताया कि हम आपको विदेश भेजेंगे। इस केस में वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है बेनिन, वहां के लिए बात ही हर कैंडिडेट से 55,000 रुपये की बात हुई थी, जिसमें कि वीजा के बाद कुछ पैसा और टिकट के बाद में कुछ पैसा देने की बात हुई थी। ये लोग 225 लोगों के पासपोर्ट अपने पास जब्त कर लिए थे ये कह के कि हम आपको भिजवाएंगे विदेश, जबकि 2-3 महीने तक हो चुके थे और ये पासपोर्ट भी जब्त पड़े थे। कासगंज में कब्र से निकालकर लड़के का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामला मोहल्ला नवाब का है। सड़क हादसे में लड़के की मौत हो गई थी, लेकिन लड़के के पिता ने दामाद पर ही हत्या का आरोप लगाया। घर से ले जाकर सड़क पर हत्या करने का आरोप है। डीएम के आदेश के बाद में शव को कब्र से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जा रहा था जिसका फूलना थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था, जिसको उनके द्वारा इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया था। यहाँ से बेहतर उपचार के लिए उन्होंने हायर सेंट्रल के लिए रेफर किया था। परिजनों द्वारा उसको हायर सेंटर न ले जाकर के कासगंज के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज करा रहे थे, लेकिन वहाँ पर स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वो उसे लेकर के अलीगढ़ जा रहे थे, जहाँ रास्ते में उसकी मृत्यु हुई। एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसके बहन ने, उसके दामाद ने उसके मारा पीटा है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। इस पर जिलाधिकारी महोदय ने पुलिस से भी आख्या प्राप्त की, इसमें से उसकी ने जाँच कर आख्या दी। इस पर ये युवक के शव को कब्र से निकाल करके पोस्टमार्टम कराया गया है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18।